हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपिंग सर्किट और क्लोजिंग सर्किट के बारे में, 33 के वी ट्रिपल फीडर पैनल के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे मीटरिंग सर्किट और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसा कि ये ड्राइंग में दिखाया गया है, ये आपका सीबी क्लोजिंग और सीबी ट्रिपिंग सर्किट का ये ड्राइंग है। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हम 86 के NONC कॉन्टैक्ट और 52 के NONC कॉन्टैक्ट के बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये 52 का NONC कॉन्टैक्ट कब क्लोज होता है और कब ओपन होता है। तो जब ब्रेकर मेरा ट्रिप कंडीशन में रहता है तो NO कॉन्टैक्ट ओपन रहता है और NC कॉन्टैक्ट क्लोज होता है। दैट मीन्स जब ब्रेकर डी एनर्जाइज अवस्था में है, ट्रिप कंडीशन में है, तो NO खुद मतलब कि वो ऑटोमेटिक खुद की अवस्था में रहता है। मतलब NO नॉर्मली ओपन, मतलब ओपन जो है तो ओपन अवस्था में रहेगा, क्लोज जो है वो क्लोज अवस्था में रहेगा। लेकिन एनर्जाइज अवस्था में वही अपोजिट हो जाता है, जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा और जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा। बस इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि डी एनर्जाइज अवस्था में सारे कॉन्टैक्ट अपने ही अवस्था में रहते हैं, लेकिन एनर्जाइज कंडीशन में वो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। और यहाँ पे 86 जो के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो नॉर्मली डी एनर्जाइज होते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं आया या किसी प्रकार का उसमें ट्रिपिंग नहीं आई तो वो डी एनर्जाइज अवस्था में रहेगा। 85 86 मास्टर ट्रिप रिले होता है, 95 सुपरविजन रिले, पोस्ट क्लोज सुपरविजन, प्री क्लोज सुपरविजन, तो ये नॉर्मली एनर्जाइज अवस्था में होता है। 94 एंटी पंपिंग रिले होता है जो नॉर्मली डी एनर्जाइज अवस्था में होता है। तो ये इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है। अब इसके क्लोजिंग सर्किट और ट्रिपिंग सर्किट के बारे में समझते हैं। तो जो क्लोजिंग सर्किट है, क्लोज किस प्रकार होता है, पॉजिटिव और निगेटिव अगर इस क्लोजिंग कॉइल को मिल जाए 110 वोल्ट जो इसका रेटिंग है, तो ये ऑपरेट कर जाएगा। जैसे ही ये ऑपरेट करेगा तो ये प्लंजर, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ये स्प्रिंग से प्लंजर को पुश करेगा और वो प्लंजर एक हाई फोर्स के साथ जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है मैकेनिज्म, उसको ऑपरेट करके और जो ब्रेकर है उसको क्लोज करा देता है। तो यहाँ पे निगेटिव ये परमानेंट रहता है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से हो करके यहाँ पे आते हैं। अगर सारे कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे तभी इसको पॉजिटिव मिल पाएगा। तो उसमें जो पहला कंडीशन है वो लिमिट स्विच स्प्रिंग चार्ज का होता है। मतलब कि अगर स्प्रिंग फुल्ली चार्ज है तो ये लिमिट स्विच का NO कॉन्टैक्ट यहाँ लगा रहता है, तो ये NO कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा। मतलब कि स्प्रिंग अगर एनर्जाइज है, मतलब चार्ज है, तो NO कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा। 52 क्या है, 52 ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो हम यहाँ पे देख रहे थे, तो ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये NC लगा हुआ, तो NC कब यहाँ पे क्लोज रहेगा, जब ब्रेकर मेरा ट्रिप अवस्था में, मतलब अभी हमें क्लोज करना है, तो क्लोज कब करेंगे, जब ब्रेकर ट्रिप अवस्था में रहेगा तभी हम क्लोज कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 52 कॉन्टैक्ट कब यहाँ पे जो NC कॉन्टैक्ट है एनर्जाइज रहेगा, मतलब क्लोज रहेगा, जब ब्रेकर मेरा ट्रिप कंडीशन में। और 94 क्या है, 94 मेरा एंटी पंपिंग रिले नॉर्मली डी एनर्जाइज अवस्था में रहता है। एंटी पंपिंग रिले का क्या काम रहता है, इसका काम बस ये रहता है कि क्लोजिंग कॉइल को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना। क्लोजिंग कॉइल प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ से TNC स्विच के द्वारा, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच के द्वारा हम क्लोजिंग कमांड दिए हैं और किसी तरह से ये क्लोजिंग कमांड लगातार इसको मिल रहा है, ये फंस गया है कहीं पे, ये न्यूट्रल पे आ ही नहीं रहा है, तो क्लोजिंग कॉइल को लगातार यहाँ पे पॉजिटिव कमांड मिल रहा है जिसके कारण क्लोजिंग कॉइल बर्न भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बार जैसे ही क्लोजिंग कमांड मिले तो ये तुरंत इसको, मतलब कि 1 मिली सेकेंड में ये ऑपरेट हो जाना चाहिए। ऑपरेट होने के बाद इसको
पॉजिटिव कमांड नहीं मिलना चाहिए। मतलब 110 वोल्ट जो डीसी है वो कुछ ही सेकंड के लिए इसको एक पल्स के जैसा मिले, फिर उसके बाद इसे नहीं मिले, तो इस प्रकार इसका रेटिंग रहता है। लेकिन अगर इसे लगातार मिलेगा तो ये जल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे एंटी पंपिंग रिले लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि जैसे ही ये क्लोज होकर के ट्रिप हुआ, यहाँ से क्लोजिंग का कमांड दिए, तो जैसे ही पहले से ट्रिप था तो क्लोजिंग का कमांड देने के बाद जैसे ही ये क्लोज हुआ, तो क्लोज जैसे हुआ तो क्लोज होने पे जो 52 का एनसी कॉन्टैक्ट है वो जीरो हो गया, मतलब कि डीएनर्जाइज हो गया, मतलब ओपन ये हो गया। तो जैसे ही ये ओपन हुआ तो यहाँ तक तो करंट नहीं आया, लेकिन मान लेते हैं कि ये वाला ख़राब हो गया, ये अटक गया है क्लोजिंग कॉइल, क्लोजिंग का जो स्विच है वहीं पे अटक गया है, तो यहाँ तक तो कमांड आते रहेगा लेकिन ये वाला बचा लेगा। लेकिन मान लेते हैं कि इसका भी ये कॉन्टैक्ट भी मेरा ख़राब हो गया है, ये भी मान लेते हैं किसी तरह से ये शॉर्ट हो गया है आपस में, तो यहाँ पे लगातार पॉजिटिव कमांड मिलता रहेगा और ये जल जाएगा। तो इससे बचने के लिए जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव कमांड मिल रहा है लगातार, तो यहाँ पे 52 का एनसी कॉन्टैक्ट के साथ साथ 52 का एनओ कॉन्टैक्ट भी इसके पैरेलल में लगा हुआ रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही एक बार क्लोजिंग कमांड मिलेगा तो क्लोजिंग कमांड मिलने पे एनओ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होने पे यहाँ से पॉजिटिव कमांड दो डायरेक्शन में जाएगा, एक तो इस डायरेक्शन क्लोजिंग कॉइल और एक क्लोजिंग कॉइल से बाईपास होकर के इधर जाएगा। जैसे ही 52 कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा, जब क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट होगा तो 94 जो एंटी पंपिंग रिले है वो भी ऑपरेट हो जाएगा, और इसी एंटी पंपिंग रिले का दो कॉन्टैक्ट, एक एनसी कॉन्टैक्ट क्लोजिंग कॉइल के सीरीज में लगा हुआ रहा है और एक एनओ कॉन्टैक्ट जो क्लोजिंग कॉइल के पैरेलल में लगा हुआ है, तो यही इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो जैसे ही 94 कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा तो जो एनओ कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, तो जो भी पॉजिटिव कमांड है वो डायरेक्ट 94 से होते हुए निगेटिव को चला जाएगा, मतलब कि क्लोजिंग कॉइल को प्रोटेक्ट कर लेगा, और 94 भी ओपन हो जाएगा तो क्लोजिंग कॉइल ऐसे ही प्रोटेक्ट हो गया। तो मेरा मेनली रूप से तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी क्लोजिंग कॉइल को कमांड मिल सकता है। एक 94 डीएनर्जाइज अवस्था में होना चाहिए, 52 मतलब कि पहले से ट्रिप होना चाहिए, और लिमिट स्विच मतलब स्प्रिंग फुली चार्ज होना चाहिए। तो ये आपका ब्रेकर का ये ड्राइंग हो गया। अब ब्रेकर का ड्राइंग ये हो गया, और इसको हमें कंट्रोल पैनल से भी ऑपरेट करना रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसी ब्रेकर के ही जो केबल है इसी को हम कंट्रोल पैनल तक लाते हैं। ये ऊपर का ये ब्रेकर का ही है, तो इसको हम लोकल से भी और रिमोट से भी दोनों से हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो लोकल से ऑपरेट करने के लिए यहाँ ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज, यहाँ पे जैसे ही इस स्विच को लोकल रिमोट जो ब्रेकर के मार्शलिंग बॉक्स में ही होता है, इसको लोकल पे अगर कर देंगे, तो अगर टीएनसी स्विच को पॉजिटिव कमांड यहाँ टीएनसी स्विच के पास पहले से पहुंचा रहता है, तो क्लोजिंग की तरफ घुमाने पे पॉजिटिव कमांड यहाँ मिल जाएगा लोकल पे, और फिर ये क्लोजिंग सर्किट को के पास कमांड चला जाएगा और ब्रेकर ट्रिप कर देगा। लेकिन अगर हमें कंट्रोल पैनल से करना है तो वहाँ पे इसी केबल को हम कंट्रोल पैनल में ले जाएंगे और वहाँ टीएनसी स्विच लगाएंगे। अब इस टीएनसी स्विच के पास पॉजिटिव ही पहुँचने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो 86 जो मास्टर ट्रिप रिले है वो डी एनर्जाइज अवस्था में होना चाहिए, और दूसरा 95 रिले जो 95 सुपरविजन रिले है वो एनर्जाइज अवस्था में। 95 रिले जो सुपरविजन है वो क्या करता है, जो कॉइल जो मेरा ट्रिप कॉइल है उसको सुपरवाइज करता है, दैट मीन्स कि वो क्लोज अवस्था में हो या ट्रिप अवस्था में, कॉइल हमेशा ट्रिप कॉइल हेल्दी होना चाहिए, क्लोजिंग कॉइल से बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिपिंग कॉइल, तो इसीलिए ये एनर्जाइज अवस्था में हो तभी हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज हो मेरा क्लोजिंग कॉइल। और 86 कॉन्टैक्ट मतलब कि पहले से कोई ट्रिपिंग ना आए तो नॉर्मली अवस्था में 86 कॉन्टैक्ट डी एनर्जाइज अवस्था में रहेगा, तो जब डी एनर्जाइज अवस्था में रहेगा तो ये वाला आपका कॉन्टैक्ट
क्लोज रहेगा, जिसको हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो ये इस 86 कॉन्टैक्ट को जो पॉजिटिव मिल रहा है वो प्रोटेक्शन ट्रिप रिले से मिल रहा है। प्रोटेक्शन जो 50-51 अर्थ फॉल्ट ओवर करेंट रिले हो गया, उसी के यहाँ से पॉजिटिव कमांड इसको मिलेगा। जैसे पॉजिटिव कमांड मिलेगा तो ये 86 एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होने के बाद इसका जो कॉन्टैक्ट है CBO2 ट्रिप, ट्रिप कॉइल और ये सब कॉन्टैक्ट अपने स्टेट को चेंज कर लेंगे। जो NO है वो क्लोज हो जाएगा, जो NC है वो ओपन हो जाएगा। तो यही जो ट्रिप कॉइल का जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे है NO और CB क्लोजिंग जो इंटरलॉक है, तो ये एक तरह से इंटरलॉक के रूप में काम करता है। ये इसी का जो यूज है यहाँ पे किया गया 86 के NC कॉन्टैक्ट में, मतलब कि ये कॉन्टैक्ट जब मेरा क्लोज होगा, डी एनर्जाइज कब होगा, जब यहाँ से मतलब ये ऑपरेट नहीं रहेगा, जब मेरा ओवर करेंट अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट नहीं रहेगा तभी ये डी एनर्जाइज अवस्था में रहेगा, इसलिए हम यहाँ क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग कॉइल का फंडामेंटल्स हो गया। तो इसी ड्राइंग में ये दिखाया गया है कि जो पॉजिटिव कमांड है, ये पॉजिटिव ये कहाँ से मिल रहा है, ये जो KLG लिखा हुआ है ये कंट्रोल पैनल का ड्राइंग है और ये सर्किट ब्रेकर को वायर गया है, केबल गया है। तो ये पॉजिटिव जो आ रहा है ये ब्रेकर से भी आ सकता है या फिर हम पैनल में ही एडजेसेंट पैनल से हम पॉजिटिव यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव आया तो 86 को इसको पार करना पड़ेगा, मतलब 86 डी एनर्जाइज होना चाहिए। और फिर ये वाला 20-B ट्रिप, मतलब कि और दूसरे हम ट्रिपिंग को यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। जनरली ये लूप कर दिया जाता है, इसको शॉर्ट कर दिया जाता है और फिर इसके बाद TNC स्विच को जाता है, मतलब TNC स्विच के पास पहुँचने के लिए यहाँ पे 86 कॉन्टैक्ट का जो कंडीशन है डी एनर्जाइज का वो फुलफिल होना चाहिए, मतलब कि 86 जो है डी एनर्जाइज होना चाहिए, तो तभी यहाँ पे ट्रिप न्यूट्रल TNC स्विच के पास पहुँचेगा। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग कमांड देंगे तो पॉजिटिव 1P2 के पास आ करके और यहाँ ब्रेकर को क्लोज कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव कमांड आया तो यहाँ पे TNC स्विच के कमांड देने के बाद ये ब्रेकर को क्लोज कर देगा। उसी प्रकार रिमोट ट्रिप में ये क्लोजिंग सर्किट का है, ट्रिपिंग सर्किट में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हम कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे TNC स्विच के पास गया, TNC स्विच के 1P4 पे पॉजिटिव है, जब ट्रिप की तरफ घुमाएंगे तो 1P3 पे पॉजिटिव आ जाएगा और ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। ये जो ट्रिप कॉइल है, इस ट्रिप कॉइल के साथ इस ये लोकल है, रिमोट है, तो रिमोट जो है वही कंट्रोल पैनल में होता है। तो कंट्रोल पैनल पे पॉजिटिव जो मिल रहा है वो TNC स्विच के पास ट्रिप की तरफ घुमाएंगे तो पॉजिटिव यहाँ पे मिल जाएगा और फिर इसके बाद ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो यही इसमें दिखाया गया है। तो ये फीडर 1 का है, ये फीडर 2 का है और ये फीडर 3 का ट्रिपल फीडर पैनल। तो ये वाला जो 3K1 और 3K2 है ये 110 वोल्ट DC इस पैनल को दिया गया है और इसी के थ्रू सारे हो रहे हैं। बाकी हम यहाँ पे अलग अलग कॉन्टैक्ट देखते हैं जिसका हम स्पेयर में रखते हैं ताकि फ्यूचर में कभी किसी प्रकार यूज कर सकें। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो CB ट्रिप है, CB क्लोज है, इसका एक ट्रिपिंग सर्किट जो हम यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रिपिंग सर्किट है इसका, ट्रिप कॉल सर्किट। तो ट्रिप कॉल सर्किट अभी तो हम क्लोजिंग सर्किट के बारे में देखें, ट्रिपिंग सर्किट के बारे में यहाँ पे हम पहले इसमें देखते हैं। तो ट्रिपिंग सर्किट को फुल्ली 110 वोल्ट मिलने के लिए ओनली एक कंडीशन हमें फुलफिल होनी चाहिए, वो क्या है, 52 का NO कॉन्टैक्ट ऑपरेट होना चाहिए। दैट मीन्स ब्रेकर मतलब पहले से क्लोज होना चाहिए, जब क्लोज होगा तभी तो ब्रेकर ट्रिप करना रहेगा। तो पहले से जब ब्रेकर मेरा क्लोज है तो यहाँ देख सकते हैं कि 52 जब मतलब ब्रेकर जब क्लोज है तो 52 का NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे मतलब 1 रहेगा, मतलब कि ये वाला भी क्लोज रहेगा। तो जब ये वाला क्लोज रहेगा तभी हम यहाँ से पॉजिटिव यहाँ लोकल से चाहे दें या रिमोट से दें तो
पॉजिटिव जैसे ही 52 के पास मिलेगा ये तो क्लोज रहेगा, तो पॉजिटिव कमांड यहाँ से फिर यहाँ बढ़ जाएगा और इसको 110 वोल्ट मिल जाएगा, ये ऑपरेट कर जाएगा। तो रिमोट और लोकल से तो हम देख लें, लेकिन 86 ये प्रोटेक्शन ट्रिप, मतलब कि अगर कोई अर्थ फॉल्ट आया, ओवर करंट आया, किसी प्रकार का फॉल्ट आया, तो 86 का जो एनो कॉन्टैक्ट है यही प्रोटेक्शन ट्रिप के रूप में काम करेगा। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 86 का एनो कॉन्टैक्ट, मतलब कि 50-51 क्या है, अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले, इस यहाँ ये जब ऑपरेट होगा 50-51 पे सीटी का केबल आया रहता है, मतलब कि सीटी करंट रीड करेगा कि करंट अगर उसके रेटिंग जो है उससे अगर ज़्यादा हो करंट तो वो ऑपरेट कर जाएगा। तो जैसे ही ऑपरेट करेगा इसमें कॉइल होती है, इसी कॉइल के थ्रू वो उसके जितने भी सारे एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट है वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं, जो एनओ रहता है वो एनसी बन जाएगा, जो एनसी है वो एनओ। तो यहाँ पे दो वो एनओ कॉन्टैक्ट है, तो दोनों एनओ कॉन्टैक्ट जब ये ऑपरेट होगा तो एनओ कॉन्टैक्ट एनसी में बन जाएगा। तो एक जो एनओ कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन ट्रिप को जाएगा, एक अलार्म को जाएगा, मतलब 50-51 जब ऑपरेट होगा तो अलार्म बजने लगेगा कि ओवर करंट आया या अर्थ फॉल्ट आया, और फिर प्रोटेक्शन ट्रिप ऑपरेट होगा। तो यही प्रोटेक्शन ट्रिप यहाँ पे जाता है और यही 86 को कमांड देगा। 86 कमांड होने पे सीबी ऑटो ट्रिप, यहाँ पे सीबी ऑटो ट्रिप एक इंडिकेशन के रूप में काम करेगा और एक ट्रिप कॉइल के रूप में काम करेगा। तो ट्रिप कॉइल के लिए एक 86 का एनो कॉन्टैक्ट हम यहीं से देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव कमांड मिला हुआ है पहले से, तो यही पॉजिटिव कमांड फिर यहाँ पे आ जाएगा और इस पॉजिटिव कमांड जैसे ही आएगा तो इसको 110 वोल्ट मिल जाएगा, ट्रिप कॉइल ऑपरेट मेरा कर जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लोजिंग जो कॉइल है और ट्रिपिंग कॉइल दोनों में इम्पोर्टेंट कौन है। इम्पोर्टेंट है ट्रिपिंग कॉइल, क्योंकि अगर ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ हैवी फॉल्ट पे तो मेरा इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं वो डैमेज हो सकते हैं और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वो लॉस कर सकता है। तो इसीलिए ट्रिपिंग कॉइल का हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रिपिंग कॉइल के हेल्दी रहने के लिए उसके लिए हम दो यहाँ पे एक रिले लगाते हैं, सुपरविजन रिले। तो यहाँ पे सुपरविजन रिले में दो प्रकार के उसमें दिए हुए रहते हैं, तो एक प्री क्लोज सुपरविजन, एक पोस्ट क्लोज सुपरविजन। प्री क्लोज मतलब कि जब मेरा ब्रेकर ट्रिप अवस्था में है, ब्रेकर मेरा जब ट्रिप अवस्था में, मतलब क्लोजिंग होने से पहले ब्रेकर ट्रिप रहेगा, तो ट्रिप अवस्था में भी मेरा कॉइल जो ट्रिपिंग कॉइल है वो हेल्दी होना चाहिए, और जब पोस्ट क्लोज मतलब क्लोज अवस्था में है फिर भी मेरा कॉइल हेल्दी होना चाहिए। तो इसको देखने के लिए 52 के बाद हम पोस्ट क्लोज देखते हैं, क्योंकि जब मेरा ब्रेकर क्लोज रहेगा तभी 52 का एनो कॉन्टैक्ट जो है वो वन रहेगा, मतलब कि ये वाला ऑपरेट रहेगा। उसी प्रकार जब ट्रिप कॉइल जो है ब्रेकर, जब मेरा ट्रिप रहेगा तभी 52 का एनसी कॉन्टैक्ट ऑपरेट रहेगा, मतलब इससे करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसीलिए प्री क्लोज हम एक एनसी लगा करके प्री क्लोज के लिए दे देते हैं, अब एक एनओ लगा कर के लिए पोस्ट क्लोज को दे देते हैं। तो यही ड्राइंग में भी यहाँ पर बताया गया है कि ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे दिया गया है, पॉजिटिव जो है यही पॉजिटिव कमांड हम 86 को देते हैं, यही पॉजिटिव कमांड 95 रिले, जो 95 सुपरविजन रिले है उसे देते हैं। अब यहाँ पे 86 का जो एनो कॉन्टैक्ट यहाँ लगाया गया है, तो जैसे ही ओवर करंट रिले से कमांड अगर मिलेगा इसको ऑपरेट होने का, तो 86 ऑपरेट होने के बाद इसका एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोटेक्शन ट्रिप कर देगा, मतलब ट्रिपिंग कॉइल को ऑपरेट कर देगा। मान लेते हैं कि अगर ये ऑपरेट ना हो, मतलब सारा नॉर्मल चल रहा है, तो भी यहाँ पे ये पोस्ट क्लोज सुपरविजन का इंडिकेशन शो होते रहेगा। वो कैसे होगा, ये पॉजिटिव कमांड यहाँ से आ रहा है, ये पॉजिटिव कमांड यहाँ से जा करके ये पोस्ट क्लोज सुपरविजन यहाँ से यहाँ जाता है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जब पॉजिटिव कमांड यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ पे निगेटिव इधर से मिल रहा है, तो इसको तो 110 वोल्ट मिल ही गया, तो ये ऑपरेट कर सकता है कॉइल को। दैट मीन्स कि ये वाला जो यहाँ पे प्री क्लोज है, पोस्ट क्लोज है, तो यहाँ पे
पॉजिटिव कमांड इसके नीचे है, तो यहाँ पर निगेटिव कमांड इधर से आया, पॉजिटिव कमांड इधर से आया, तो इसको ये ऑपरेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोविज़न रहता है कि पोस्ट क्लोज और प्री क्लोज जो रिले है, इस रिले में उस वोल्टेज को कम कर दिया जाता है। जैसे में 110 वोल्ट है, तो जितना पे वो ऑपरेट ना हो पाए, कॉइल ऑपरेट ना हो पाए, उतना वोल्ट कम कर लिया जाता है। जैसे में 25 वोल्ट या 30 वोल्ट तक ही उसे कम कर लिया जाता है, ताकि वो कॉइल ऑपरेट ना हो सके, सिर्फ इंडिकेशन मेरा चलते रहे। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्री क्लोज है या पोस्ट क्लोज है, सिर्फ इंडिकेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, ये पोस्ट क्लोज के लिए है और प्री क्लोज, तो प्री क्लोज के लिए यहाँ पे ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट से हम ला करके देंगे। और इसी 95 रिले में एक और यहाँ पे है जो एनो कॉन्टैक्ट है, वो अनन्सिएटर को गया। अनन्सिएटर क्या कि मान लेते हैं, जब 95 रिले डी एनर्जाइज रहेगा, तो यहाँ पे ये एनसी कॉन्टैक्ट दैट मीन्स नॉर्मली अवस्था में 95 रिले एनर्जाइज होना चाहिए। तो एनर्जाइज रहेगा तो एनसी जो है ये नॉर्मली क्लोज है, वो नॉर्मली ओपन रहेगा, मतलब कि अनन्सिएटर के पास कमांड नहीं जाएगा। और जैसे ही अगर ये डी एनर्जाइज हो गया, मतलब इसको कमांड नहीं मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब यहाँ से पॉजिटिव आया, यहाँ से निगेटिव आया, इसका कॉइल एनर्जाइज नहीं है, तो ये वाला नॉर्मली ओपन हो जाए, नॉर्मली क्लोज जो है वो उस स्थिति में आ जाएगा, अगर कमांड नहीं मिल, मतलब इसको अगर पोटेंशियल नहीं मिला। तो जब ये आ जाएगा, तो इसीलिए अनन्सिएटर जो सीट नंबर 30 में यहाँ पर दिखाया गया, ये सीट नंबर 30 में जैसा कि हम देख रहे हैं, ये ट्रिप कॉइल फॉल्टी का ये वाला अनन्सिएटर का, ये वाला 95 रिले का एनो कॉन्टैक्ट का दिया हुआ है। एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे जब आएगा, तो ये एनो कॉन्टैक्ट जब क्लोज होगा, मतलब कि डी एनर्जाइज जब होगा 95 रिले, तो इसका एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर बल्ब जलने लगेगा, जो बताएगा कि हमारा ट्रिप कॉइल सर्किट फॉल्टी है।